नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आरबीआई खत्म कर सकती है 24,000 की साप्ताहिक निकासी सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24,000 रुपए की साप्ताहिक निकासी सीमा खत्म करने संबंधी खबर के बीच सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी के दौरान कई बैंक अधिकारी अनियमितता में शामिल रहे हैं और इस अपराध में शामिल रहे सरकारी बैंकों के 156 तथा निजी बैंकों के 11 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि इस दौरान आपराधिक मामले भी हुए हैं और ऐसे 26 मामलों में पुलिस तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका कहना था कि बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता को लेकर गड़बड़ी की गंभीरता के आधार पर मामले चलाए जाते हैं और बैंक अपनी नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। एक अन्य सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद 25 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री जनधन खातों में 64,914 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी, जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में माना कि बैंकों द्वारा एटीएम मशीनों में नकदी नहीं भरे जाने के कारण एटीएम सेवा प्रदाताओं को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि एटीएम मशीन में नए नोटों के अनुकूल बदलाव करने के पश्चात सेवा प्रदाताओं ने उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए बैंकों से मुआवजा हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। उन्होंने एटीएम बंद रहने अथवा कम लेन देन के कारण भी उन्हें हुई क्षति के लिए भी मुआवजा मांगा है। दूसरी ओर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि पुरानी मुद्रा के बदले नई मुद्रा लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बेहद कम लोग हफ्ते में 24,000 या महीने में 96,000 रुपए सेविंग अकाउंट से निकालते हैं। इसे देखते हुए जल्द ही रिजर्व बैंक साप्ताहिक आहरण सीमा हटाने का फैसला ले सकती है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और हेडलाइंस पर। एयरसेल मैक्सिम करार में भ्रष्टाचार के आरोपों से मारन बंधुओं को मुक्त किए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीन ने ट्रंप को दिखाई ताकत, 10 परमाणु प्रक्षेपास्त्र ले जाने में सक्षम मिसाइल का किया परीक्षण। भगोड़े विजय माल्या ने कहा, मैं यूपी और एनडीए के बीच फुटबॉल बनकर रह गया हूं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए ट्रंप के आवर्जन प्रतिबंध से छूट मांगी। सीरिया में अमेरिकी गठबंधन सेना के हमले में 47 आतंकवादी ढेर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।